तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बुक है जो कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही दिया गया है एक ही बुक के अंदर। ये बुक्स कितनी होती हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, और आपको बता दूँ कौन सी पब्लिकेशन की बेस्ट होती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से स्टेट के लड़के हिंदी में देख सकते हैं एग्ज़ाम और कैसे देना है एग्ज़ाम। देखो मैंने दिया है एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, मैं 2023 का पास आउट हूँ, इस वजह से मुझे पूरी जानकारी है इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से, सभी बुक्स बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कौन सी पब्लिकेशन की लेना है, और एग्ज़ाम हिंदी में इंग्लिश में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, जो पहली आपकी बुक है फार्माकोग्नोसी तो आप देख ही सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी बुक आपको दिखाते हैं, आपकी दूसरी बुक हो गई सोशल फार्मेसी, ये दूसरी बुक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर डी फार्मा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, हिंदी में समझ करके इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके बाद में आपकी सोशल फार्मेसी के बाद में हो गया फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स के बहुत ही बेहतरीन ये बुक्स हैं, आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए। इसके लिए देखिए काफ़ी सारी पब्लिकेशन है, जैसे कि ठाकुर पब्लिकेशन और सार्थक। अब ठाकुर पब्लिकेशन और सार्थक में कौन सी बेस्ट होती हैं, इसके लिए आप चाहे ठाकुर पब्लिकेशन ले लीजिए या फिर सार्थक ले लीजिए, आपको दोनों ही बेहतरीन हैं, लेकिन थोड़ी हिंदी में थोड़ा ही अंतर होता है। ठाकुर पब्लिकेशन की जो हिंदी है वो थोड़ी कठिन होती है, थोड़ी हार्ड होती है, जो सार्थक की है तो थोड़ा ही अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आप लोग किसी का भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। उसके बाद में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यूपी वाले जो हैं वो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यूपी वाले ध्यान दें, हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट का हिंदी में दे सकते हैं, दूसरी सब्जेक्ट का इंग्लिश में दे सकते हैं, तीसरी सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने बीए बीएससी का एग्ज़ाम दिया है वैसे आप इसको भी दे सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। अब चलते हैं, हम आपको तीसरी बुक आप दे सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स हो गई। अब है चौथी बुक, ये पाँच बुक होती है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, तो ये चौथी बुक हो गई ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपकी चौथी बुक है। अब दिखाते हैं आपको पांचवी बुक कौन सी है, लास्ट बुक है। और मैं आपको बता दूं, अगर डी फार्मा सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 7 एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, 7 पेपर आपके होते हैं, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी सॉरी इन्वायरमेंट पर्यावरण का होता है, उसका भी एग्ज़ाम ऐड करके 7 एग्ज़ाम आपके होते हैं। तो अब पाँचवीं बुक हो गई आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भैषजिक रसायन, ये बहुत ही बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा डेली का 1 घंटे इसमें निकालेंगे तो आप भी क्लियर कर लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर देना।